अकेले रेस्टोरेंट में खाने का मजा होता है वो तो देखो मैं। क्या खूबसूरत नजारा भाई। ये है डोम हॉस्टल। हॉस्टल अच्छा है बट इनका वॉशरूम बिल्कुल अच्छे नहीं लगे मेरे को तो। बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ इनके साथ फोटो लेने के भी यहाँ पैसे देने पड़ते होंगे मेरे। भाई ये जगह ही प्यार करने वाली है यार। चारों तरफ एक बार नजारा दिखाऊंगा आपको। सब की सब येल्लो क्यों है भाई। वेलकम टू ताना। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है मेरा डे 6 हनोई में और मैं जा रहा हूँ अभी हनोई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे। ऐसा कुछ दिखाई देता है और मेरी फ्लाइट अभी दानांग के लिए सुबह के 7:50 पे। अभी 5:30 हुए सुबह के, क्योंकि भाई ये नहीं जाएंगे थी मैं टाइम की वजह से, लेट नहीं होना चाह रहा था, मिस नहीं करना चाह रहा था अपनी फ्लाइट, तो पहुंच गया एयरपोर्ट। बाकी एयरपोर्ट पहुंचने की स्टोरी ऐसी रही कि रात जब मैं बातें कर रहा था कुछ दोस्तों से, तो एक इंग्लैंड का बंदा वो अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट लेकर घर जा रहा था, ऐसा मुझे कुछ पता लगा। और 4:30 में उठ गया जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी और मैंने उसको रिक्वेस्ट किया भाई 5 मिनट में चल रहा हूँ, तो उसने वेट किया और हम साथ में फिर कैब में आए। बाकी आप देख ही लो। फाइनली यार एयरपोर्ट पे पहुँच गए और मेरी फ़्लाइट में काफ़ी टाइम अभी 2 घंटे का, बट टाइमली पहुँच गए। कैब सेयर होगी मेरी तो थोड़ा फ़ायदा हो गया, अदरवाइज़ मेरे को काफ़ी पैसे लगाने पड़ते और इन भाई का फ़ायदा हो गया। ये जा रहे हैं इंग्लैंड अपने घर होम टाउन वापस। थैंक्स टू दिस मैन, ही गेव मी लिफ्ट इन हिज कैब एंड ही इज गोइंग होम इंग्लैंड। बाय बाय, नाइस टू मीट यू, टेक केयर, हैप्पी जर्नी, बाय बाय। मुझे जाना भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे क्योंकि यहाँ से आपको इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिलेंगे ओनली, तो मेरे को थोड़ा पता करना पड़ेगा डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के लिए। यहाँ मैं लोगों से बात करता हूँ किससे, देन हम जाते हैं उधर डोमेस्टिक पे। तो ब्रो सुबह हो रही है और ऐसा कुछ सीन है काफ़ी प्यारा, तो मुझे इन भाई ने लिफ्ट दी है इनकी गाड़ी में, ये लेके जा रहे हैं मुझे डोमेस्टिक एयरपोर्ट तक। तो ये था इनका अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और डोमेस्टिक एयरपोर्ट थोड़ा अलग पड़ता है। तो भाई ये मेरे को दोस्त अभी पूरा रास्ता बता के आ रहे हैं कहाँ से जाना। ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। ओह क्या ही यार भाई, मेरे को यहाँ उतरना था और मेरे को पता ही नहीं था तो मैं वहाँ चला गया। भाई यहाँ काम करता बंदा एयरपोर्ट पे, तो इस बंदे ने मेरे को यहाँ छोड़ा ला के। तो बाकी कहानी अब ऐसे है भाई कि हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं, बस वहाँ जाके थोड़ी देर बैठते हैं, अपनी फ्लाइट्स के टाइमिंग एंड ऑल देखते हैं और जो भी रहता आपको बताते हैं, ठीक है। बाकी मैं बात करूँ डोमेस्टिक एयरपोर्ट की, ऐसा कुछ एयरपोर्ट है ग्राउंड फ्लोर से और पीछे भी आप मेरे देख सकते हो भाई। बोर्डिंग वगैरह के लिए मेरे को फर्स्ट फ्लोर पर जाना पड़ेगा, ये वेटिंग एरिया है। फिर मैं सोच रहा था थोड़ा रेस्ट करूंगा, सोऊंगा, क्योंकि 2 ही घंटे सोया हूँ यार, रात में 1:30-2 बज गए थे सोते सोते। बढ़िया यार एयरपोर्ट, फाइनली मैं टेंशन फ्री होकर एयरपोर्ट पहुँच गया, बस अब वेट है बोर्डिंग शुरू होने का और उसके बाद आप पहुंच जाएंगे। और दानांग से डायरेक्ट जा रहा हूं मैं होयान, जहां पे मैंने अपनी हॉस्टल वगैरह बुक कर लिया। डोम नाम का हॉस्टल है जो मैंने बुक किया है बिकॉज मेरे दोस्त वहां रुके थे जो आपने कल वीडियो में देखा, तो दोस्त सब कुछ आसपास है वहां के, तो थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए भी। बाकी जैसे प्लान रहेगा ठीक है। एक अगर आप आ रहे हो तो भाई ऑलमोस्ट $200-300 लेके आना अगर आप यहाँ करेंसी कन्वर्ट करना चाह रहे हो, बिकॉज मैंने 8,000-9,000 रुपये मैंने ऑनलाइन निकाले थे, $100 मेरे पास वो था करेंसी US का था, फिर भी मेरे पास कम पड़ रहे हैं। और रीजन ये है जिसमें मैंने फ्लाइट वगैरह तो अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट जो है मैंने वो INR में बुक करवा ली थी इंडिया, तो आप ऐसा नहीं है कि इसको 30-35 में निपटा सकते हो। अगर फ्लाइट इंक्लूड है तो आपको 45 तक ये मेरे को लग रहा है जाएगा ही जाएगा। बाकी जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, शायद उसके लिए मैं ज़्यादा थोड़े पे कर रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस अलग है क्योंकि मैं सापा गया। हाँ यार ऑलमोस्ट 45,000-50,000 रुपीज़ का ये ट्रिप आपको पड़ ही जाएगा, चाहे आप कुछ भी ट्राई करो, तो 45,000-50,000 होगा इस ट्रिप का खर्च। तो दोस्त वेट करते हैं अभी फ्लाइट का, बोर्डिंग शुरू होती है तो आपको दिखाते हैं। तो यार मेरे को वेट करते हुए भी हो गया हाफ आवर कम से कम, और अभी फ्लाइट्स की बोर्डिंग शुरू हुई है, देख लेता मेरी फ्लाइट है क्या सीन है। ये है मेरी फ्लाइट 7:40 पे ए लॉबी में दिखा रही है मेरे को, तो मेरे को भी कुछ देर और वेट करना पड़ेगा इसके लिए, फिर मैं जा सकता हूँ दानांग के बाद हम पहुँच जाएंगे होयान, और 2 दिन बिताने वाला हूँ मैं होयान में। यार ये सारा डोमेस्टिक इंटरनल एरिया है डोमेस्टिक एयरपोर्ट का, और 16 अब थोड़ा उधर पड़ रहा है। दोस्त हुआ क्या कि उधर मैं 12 नंबर तक था बट मेरे को इधर आना था और इधर मुझे 16 नंबर पर जाना है भाई। चलो पहुँचते हैं। बाकी आप विथ लाइन एयरलाइंस के प्लेन्स देख लो भाई, क्या ही गजब लग रहे हैं सबके सब। बोर्डिंग क्लोज होने में अभी 15 मिनट बाकी और मैं सुबह से बैठे हुआ था ऐसे चिल मार रहा था। तो गेट 13 तो हेरा, गेट 17 वो रहा सामने, तो सामने ही गेट 16। फाइनली हम पहुंच गए तो ज़्यादा देर लगी नहीं फिर भी, और लेट भी नहीं है भाई, 5-10 मिनट अभी, 10-15 मिनट है अभी, ऐसा कुछ नहीं है, तो बढ़िया है भाई। मैंने बस दूसरी साइड से एंट्री कर दिया, यहाँ से भी कर सकते थे, मैं दूसरी साइड बैठा हुआ था बस इतना फ़र्क है। अरे मैं तो खाम में डर रहा था भाई, 7:10 पे बोर्डिंग शुरू हो गई, अभी बोर्डिंग शुरू नहीं हुई है, ऐसे डर जाते हैं यार, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। बोर्डिंग शुरू हो गई है, देखो लाइन कैसे लगी लोगों की,
मैं तो सोच रहा हूँ भाई जब भी खत्म हो जाएगी ना तब उठ के जाऊँगा, क्या भाई जल्दी नहीं है, सीट बुक हो रखी है, मिलनी वही विंडो सीट है जहाँ मैंने बुक कर रखी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और डोमेस्टिक फ्लाइट है शायद इस वजह से भी इस तरह की सीट्स मिल रही हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, लोग खड़े रहने दे, बैठे बैठे रहने दे, हम जाएंगे आराम से। चेक इन हो गया, अंदर आ गए हैं, बस अब फ्लाइट में बैठने का देर है। ये तो यार फाइनली हो गए रेडी दानांग के लिए, और ये कुछ हमारी फ्लाइट है जिसमें मैं जाने वाला हूँ। ओके दिस वे तो जी भाइयों मिल गई आज विंडो सीट, चलो अब दानांग में मिलते हैं। फाइनली वेलकम टू दानांग। अब यहाँ थोड़ा देखना मेरे को कहाँ से मेरे को कैब मिलेगी, कहाँ से लोकल बसेस मिलेगी, दिखा तो रहा गूगल मैप लोकल बस है ऐसा कुछ, बाहर से एयरपोर्ट है भाई दानांग का। तो यार मुझे अपने इंडिया के दो भाई लोग मिले हैं, इन्हीं के साथ में जा रहा हूँ। तो यार ये बैटर किया हमने कि कैब बुला ली बस के लिए, अभी दो ढाई घंटे दिखा रहा है कि लग जाएंगे जाने में। थैंक यू यार, बाय बाय। फाइनली होयान में आपका स्वागत है दोस्तों। धूप अच्छी खासी है यार, समझ नहीं आ रहा कि दोपहर में कहाँ घूमूंगा, बाकी एक बार हॉस्टल पहुँचता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली पहुँच गया हूँ मेरे हॉस्टल में, ये है डोम हॉस्टल, यहाँ मैं रुकने वाला हूँ। तो यार ज़्यादा दूर था ही नहीं, जहाँ मेरे को ड्रॉप किया ना वहाँ से जस्ट मुश्किल से 300 मीटर ही था, ऐसा कुछ हॉस्टल है। बाकी एक बार मैं रिसेप्शन में बात करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। नाउ व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट माय फ्रेंड्स? इस हॉस्टल में अगर आप आ रहे हो तो ये टाइमिंग है, यहाँ से आप डायरेक्ट दानांग के लिए शटल बस पकड़ सकते हो 130 KM में। ओके भाई तो ये हमारा होटल एंड डोम। ओके तो यार ऐसा कुछ डोम है भाई यहाँ पे, और ये बेड मेरे को मिला है। तो यार ये पड़ा है मुझे ऑलमोस्ट 100K डोम, यानी कि 330-340 के आसपास का। तो यार मैं फिर से इस स्ट्रीट पे आ गया भाई। हेलो, यहाँ पे रेस्टोरेंट और स्पा बहुत सारे हैं, बट एक चीज़ जो मेरे को लगी अजीब वो मैं बता दूँ, मैं जिस हॉस्टल में रह रहा हूँ हॉस्टल अच्छा है देखने में बाहर से, और डोम भी ठीक ठाक है, बट इनका वॉशरूम बिल्कुल अच्छे नहीं लगे मेरे को। तो मेरे हिसाब से इससे अच्छे हमारे इंडिया में होते हैं हर हॉस्टल के डोम, ठीक है बट क्या कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे पास में था, अदरवाइज़ तो फिर बहुत दूर से मेरे को पैदल चल के आना पड़ता। तो ये थोड़ा लालच था मेरा, और वैसे भी एक रात के लिए रुकना है तो ठीक है यार। बाकी यार जगह तो बहुत अच्छी लग रही है, अब कितनी अच्छी लग रही है वो आप भी बता दो देख के एक बार कमेंट में। तो यार यहाँ पे आपको आसानी से ऐसे फूड मार्ट मिल जाएंगे बहुत सारे, और शॉपिंग के लिए भी काफ़ी सारी दुकानें बनी हुई हैं। बाकी मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि यहाँ भाई इतनी ज़्यादा सफाई है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत परे है, कभी नहीं सोचा था कि इतनी ज़्यादा सफाई होगी भाई इस शहर में, और क्यों लोग इसको बोलते हैं कि भाई यहाँ पे दो तीन दिन रहो। बाकी मैं अभी लंच करने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। तो यार यहाँ से ये सारा ओल्ड होयान शुरू हो गया, और शाम को तो काफ़ी प्यारा लगता है भाई। यार मुझे तो ये रेस्टोरेंट ही पसंद आया था, बट उसके सामने देखा कि भाई ये तो कुछ गजब ही बना हुआ है, ये तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी वाइब तो है इस जगह में भाई। तो यार मैं इस स्ट्रीट से भी आया हूँ, और ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का भाई, क्या ही मज़ा आ रहा है, मतलब होयान जितना लोग बोल रहे थे उससे ज़्यादा सुंदर है भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर है। अभी इस रास्ते में जाऊँगा इधर ब्रिज क्रॉस करके, एक मॉर्निंग ग्लोरी कैफ़े या फिर रेस्टोरेंट है वो देखने में जाऊँगा, देखने के यार वहाँ ब्रेकफास्ट या फिर लंच सब कुछ ब्रंच सब कुछ मिक्सअप हो रहा है, वो मैं कर रहा हूँ वहाँ जाके। क्या ही प्यारा ब्रिज है भाई सामने, इस ब्रिज को क्रॉस करते ही सामने आपको मिल जाएगा। ओहो भाई क्या ही खूबसूरत जगह है यार, ये ऐसे लग रहा है भाई कुछ नए देश में आ गए, देश में तो आ रखे बट नई दुनिया में आ गए, ये तो सपनों की दुनिया में आ गए हम सही में। अब समझ आएगी लोग ये क्यों बोलते हैं उनको वियतनाम से इतना प्यार है भाई, ये जगह ही प्यार करने वाली है यार, इतनी प्यारी जगह है भाई। सबसे बढ़िया बात कूड़ा कचरा कुछ नहीं है यहाँ पे, साफ सफाई बहुत सारी है। तो यार फाइनली मैं हूँ अभी होयान के मॉर्निंग ग्लोरी कैफे में, कैफे की वाइब बहुत प्यारी है जिसके लिए मैं स्पेशली यहाँ पे आया हूँ। तो ऐसा कुछ कैफे है यार, बाकी मैं अपना हॉस्टल तो रिकमेंड नहीं कर रहा, बट ये कैफे जरूर रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि ब्रिज के जस्ट सामने ही है, ब्रिज क्रॉस करते ही।
अकेले रेस्टोरेंट में खाने का मज़ा होता है वो भी तो देखो मैं। नाइस, अच्छा यार। सो दिस इज़ द कैफे मॉर्निंग ग्लोरी। भाई यहाँ का मेरे को सबसे बढ़िया कैफे लगा ये। बाकी अभी टाइम हुआ है शाम के 3:30, 6 से 7 बजे के बाद यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल होगा, काफ़ी क्रेजी माहौल होगा मैं बोल रहा हूँ। मेरे को सबने ये बोला है कि भाई इवनिंग देखो यहाँ की देखनी है, तो मैं वेट करूँगा थोड़ा, तब तक बस इधर से उधर लेक के सारे घूमता रहूँगा। बाकी लेट्स गो। शाम को इस रिवर में बहुत सारी बोट्स दिखेंगी, लैंटन दिखेंगे शाम को इस रिवर में, और उन्हीं का वेट में कर रहा हूँ भाई, उन्हीं के लिए स्पेशली यहाँ आया हूँ। भाई कैसे कैसे कैफे हैं यार, मैंगो मैंगो भाई क्या ही प्यारी जगह लग रही है। और इधर इन सब ने बाहर की साइडों में अपनी दुकान लगाना शुरू कर दिया भाई। जितने भी कैफे हैं ना अभी शाम के लिए रेडी हो रहे हैं सारे के सारे, मतलब दिन में ज़्यादा रौनक नहीं रहती, बट शाम को 6 बजे के बाद यहाँ एक अलग ही माहौल होता है यार। बाकी है ना बढ़िया, ये है होयान सिटी वियतनाम में। बाकी अभी मेरे को न्यूज़ मिली है कि भाई 6 से 9 के बीच में टाइफून आने वाला है यहाँ पे, तो और वेदर भी काफ़ी ख़राब हो ही गया है। पता नहीं क्या ही रहेगा यार, अगर ये न्यूज़ सही है तो भाई थोड़ा सेफ रहना पड़ेगा। बाकी यार वहाँ पे ना येलो कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, पता नहीं क्या है, तो सोच रहा हूँ उधर वहाँ से टहलता उस ब्रिज से होता हुआ एक बार चला ही जाऊँ। और वहाँ गया तो फिर उधर से घूमते 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 सारा इधर से वो कहना पड़ेगा। यार मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि यहाँ सारी बिल्डिंग येलो क्यों है, यहाँ मैक्सिमम इधर भी बिल्डिंग येलो है। अगर मैं कहूँ तो 70% बिल्डिंग जो है येलो है यहाँ पे, ये येलो, वो येलो, वो सारा एरिया येलो, वो वाली येलो, वो सारा एरिया येलो, और ये भी येलो। बताओ यार क्या ही लॉजिक है इसके पीछे, कुछ है क्या भाई? अगर है तो यार बता देना कमेंट। यार ये मेरे पीछे फ्लैग देखो कितने अच्छे लग रहे हैं इसे, हवा बहुत तेज़ चल रही है वैसे यहाँ पे भी, इतनी तेज़ चलेगी ये मुझे आइडिया नहीं है, बस मेरा ट्रिप ख़राब ना हो इतना मैं बोलता हूँ, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। तो यार ये है यहाँ का जापनीज़ ब्रिज, ऐसा बोला जाता है अगर आप यहाँ पे हॉस्टल में भी नहीं रुक रहे, बट अगर इस ब्रिज पे आके फोटोज वगैरह ले जाते तो समझो आपका होयान का ट्रिप पूरा हो गया। तो बढ़िया यार, यहाँ की बिल्डिंग्स का मुझे समझ नहीं आया सब की सब, येल्लो क्यों है भाई, पता नहीं क्यों येल्लो है भाई। पर ये तो स्किल मैंने दिखाई थी, मैंने हनोई में देखी थी कि जो जड़ें होती हैं पेड़ की उनको काट काट के, क्या गजब भाई साहब, क्या आर्ट है यार इन लोगों के पास, इसको देखो यार क्रेजी। और ओ इधर आके तो माहौल ही बदला हुआ है, मतलब मैं इधर आ ही नहीं रहा था। ऐसा कुछ है मेरे दोस्त, सब तैयारियां शुरू हो रही हैं, देखो ये अपने दुकानें खोल रहे हैं, ये अपने सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि 6 बजे के बाद यहाँ पे ना बड़ा तगड़ा प्रोग्राम शुरू हो जाता है, जैसे वो घूम रहे हैं ना बोट में वैसे घूमना शुरू कर देते हैं भाई ये। बाकी मौसम देखो कैसे चढ़ के आ रहा भाई, ये तो लंका लगवाएगा सबकी, बाकी देखते हैं भाई कैसा रहने वाला है। तो यार पिछले 2-3 घंटे से मैं घूम ही रहा हूँ यहाँ, और ऐसा कुछ नज़ारा अभी यहाँ का, पहले जो रिवर बिल्कुल खाली पड़ी थी बोट शुरू हो गई हैं, चहल पहल है, कितनी है, लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं, लोग ना ग्रुप टूर लेके आ रखे हैं यहाँ पे, गाइड है वो 15-20 लोगों के लिए घूम रहा है। अब ये नहीं पता कि वो हॉस्टल की तरफ से होता है या फिर वो आप अलग से बुक करते हो, मेरे को उसका आइडिया नहीं है। बाकी एक वियर्ड चीज़ है भाई कि यहाँ पे कोई भी डस्टबिन नहीं है एक भी जगह, और फिर भी कमाल की चीज़ ये कि किसी ने एक भी जगह भाई एक गलती से बोतल भी नहीं फेंक रखी। हाय हाय क्या नज़ारा है शाम का, और जैसे जैसे अंधेरा होगा अभी ये नज़ारा और चेंज हो जाएगा भाई। रिवर के दूसरी तरफ ऐसा कुछ नज़ारा है, और रिवर के इस तरफ ऐसा कुछ नज़ारा है भाई। जब मैं आया था बिल्कुल खाली पड़ा था, और अभी 3 घंटे के बाद देखो कितना क्या गजब हो रखा है भाई, गजब। चारों तरफ एक बार नज़ारा दिखाऊंगा आपको, ये देखो यार, सिर्फ इस नज़ारे के अलावा ये देखो भाई, जिस पे यार ड्रोन है उसके क्रेजी शॉट्स आएंगे भाई। और ये सिर्फ एक पार्ट है यहाँ का, उधर बहुत दूर तक लेकर है, और उधर भी बहुत दूर तक लेकर भाई। कि यार ये वही स्ट्रीट है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिन के टाइम में दिखाई थी आपको, रात को इसका नज़ारा ही बदल गया भाई स्ट्रीट का, क्या ही खूबसूरत लग रही है स्ट्रीट। तो मेरे को लग रहा है भाई इनके साथ फ़ोटो लेने के भी यहाँ पैसे देने पड़ते होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। अरे लैंटेन ना ऐसे आगे तक है काफ़ी, मतलब आगे दुकानों पर, क्या खूबसूरत नज़ारा भाई। तो यार जैसे नोए की स्ट्रीट थी ऐसे ओयान की स्ट्रीट से बहुत दूर तक मार्केट लगी हुई है, बाकी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खा लूँ।
यार ऐसा कुछ नज़ारा चल रहा है रात का यहाँ पर, उधर वो बोटिंग शोटिंग चल रही है भाई, उधर फोटो शोटो चल रही हैं, इधर क्लब व्लब चल रहे हैं, इधर स्पा भी चल रहा है भाई। तो ऐसा कुछ नज़ारा है पूरी रात का यहाँ का, तो सोचा ये बचा ये भी दिखा देता हूँ, अच्छा लग रहा है ये काफ़ी। तो यार ये सब बना रहा भाई, जितने भी ये बने हुए रखे हैं ना, ये सब इस भाई ने बनाए हुए हैं। काफ़ी क्रेजी है ना भाई, कितनी मेहनत लगती है वो आप देख ही सकते हो, देखिए लगा हुआ है और कितना अच्छे से काम हो रखा है इस पर भाई, कैसे माला निकाल ली हो, कैसे पीछे का निकाला होगा, मेहनत लगती है यार इन चीज़ों में, और फिर लोग सोचते हैं हमें सस्ते मिल जाए। तो यार दिन में मैं जब आया था इसका माहौल कुछ कैसा था, अब भाई पूरा जब बार वाली फीलिंग आती है ना, पूरा प्रॉपरली शुरू हो गया इसका, ये मॉर्निंग ग्लोरी सिग्नेचर बार एंड रेस्टोरेंट। तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ क्रेजी हो जाता है खोयान शाम के टाइम, अभी बजे शायद 7:30 का टाइम हो रखा है, बस ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट क्या क्रेजी वाइब है भाई यहाँ, रेस्टोरेंट क्लब और टूरिस्ट, मेरे को लग रहा है लोकल भी बहुत होते हैं यहाँ पे हर रोज़ भाई। ये ब्रिज है जो काफ़ी क्राउडेड रहता है हर टाइम, और उसी के आसपास का सारा ये माहौल रहता है बस। तो ऐसा कुछ नज़ारा है यार रात का इन क्लब्स का, दिन में इनको रेस्टोरेंट कह लो, रात दिनों क्लब्स कह लो, एक ही बात है भाई। एक्चुअली आज पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, बाकी सुबह से घूम रहा था, मैं इस साइड नहीं आया था यार, मतलब सुबह से नहीं, मैं दोपहर से घूम रहा था, इस साइड तो मैं बिल्कुल नहीं आया था। हाँ बस वही था यार, दो मतलब चार पांच जो दुकानें बीच में होती हैं हर साइड में ब्रिज के साइड में, उधर भी वही चार पांच दुकानें थी जो माहौल बनाए हुए थी, और इधर भी वही चार पांच दुकानें थी जो माहौल बनाए हुए थे, उसके बाद तो भाई सन्नाटा ही पड़ा यार। बाकी यार अभी मैं भी चलता हूँ, मेरा भी हो गया काम, मतलब रेस्ट करते हैं, कल का प्लान करते हैं, कल का क्या करना है, मेरा कल का कोई प्लान ही नहीं है अब तक मेरे को क्या करना, नहीं तो मेरे को पूरा दिन ऐसे टाइम पास करना पड़ेगा और मैं दिन वेस्ट नहीं करना चाह रहा। जो आप देख रहे हो ये मंदिर है इनका, बट यहाँ के टिकट है 1,20,000 रुपये। ओह रात को साइकिलिंग का अलग ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बाकी ये स्ट्रीट जब मैं आया था काफ़ी प्यारी लग रही थी, मेरे जो राइट में दुकान थी उसकी वजह से, बट वो दुकान बंद हो चुकी है और आगे मैं जा नहीं रहा, क्योंकि मेरी स्ट्रीट पड़ती है अभी लेफ्ट में, तो मैं यहाँ से होकर अपने रास्ते निकलता हूँ और अपने घर पहुँचता हूँ। ओह ये तो यार मैं दोपहर को इसके अंदर तो नहीं गया, बट अभी जब मैं रात को वापस जा रहा था तो ये ऐसा कुछ नज़ारा दिख रहा है जो इसकी पूरी रिफ्लेक्शन है नीचे पानी में दिखाई दे रही है, मतलब काफ़ी बढ़िया लग रहा है एकदम से। और उसके आसपास का एरिया वही कैफ़े 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 एंड कैफ़े, सब जगह कैफ़े हैं यहाँ पर, सब येलो कलर के हैं, आई डोंट नो व्हाई। भाई ये यहाँ का फूड मार्ट है जो मैं आपको दिन में दिखा ही रहा था ना, मैं सोचा भी यहाँ से कुछ खरीद लूँ, और कुछ मिलेगा तो ठीक भाई, नहीं इनसे काम चला लेंगे। तो यार ये था हमारा फूड मार्ट, आपको जो ठीक लगे खाने का यहाँ से ले सकते हो, और फूड मार्ट सब कुछ मिलता है यहाँ पे। बाकी यार सच बताऊँ इतना सस्ता पानी नहीं है जितनी सस्ती बियर है। बाकी फिर से आ गए हैं सुनसान गली में, अपनी गली में, बाकी दिन में तो बहुत प्यारी लग रही थी, अब शांत है, अब जाके रेस्ट करना है यार। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप भी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। Across the road.